वार्निंग जो कहानी है वो एक सर्वाइवल बेस फिल्म है, जिसमें ये चार पांच जो दोस्त हैं ये एक अरसे बाद अपने एक और दोस्त से मिल रहे हैं, और किस तरह ये एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि जहाँ पे पानी में सब लोग फंस गए हैं, और किस तरह इस दौरान कैसे उनके जो रिश्ते भी हैं वो तो उभर के आते ही हैं, और किस तरह वो जब जब ये सारी चीज़ें उभर के आती हैं और जब उनके अंदर जीने की लालसा है तभी मौत उन्हें बुला रही है। वार्निंग जो टाइटल है इसका, वो बहुत जस्टिफाई भी करता है कि आम जिंदगी में हम शायद हम इतनी रफ्तार से चल रहे हैं आगे कि हमें मालूम ही नहीं है कि हम आस पास हमारे दाएं बाएं कितनी तरह की चेतावनियां जो जिंदगी हमें देती है कि ये मत करो, ये करो, या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम उन सबको दरकिनार करते हुए एक ऐसी रफ्तार से आगे जा रहे हैं, और फिर हमें एहसास होता है कहीं बाद में जाके कि अरे हाँ, अगर काश हमने ये बात सुनी होती, काश हमने ये किया होता। जहाँ तक कहानी या लेखन का सवाल है इसके अंदर, तो मेरे को ज़्यादा मशक्क़त इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि जो इस फिल्म के निर्देशक हैं गुरमीत सिंह, वो एक तो मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। तो मुझे कभी भी अमूमन जैसा होता है कि एक लेखक को लिखने के लिए तो जगह चाहिए ही, वो क्या लिखे ये पूछने के लिए भी एक समय चाहिए होता है, लेकिन वो समय की दरकार मेरे को कभी, उसकी ज़रूरत कभी पड़ी नहीं। और इसमें कहानी के अलावा जो सबसे बड़ा एक पहलू था कि जो संवाद है, जो डायलॉग्स हैं, वो ज़्यादा लंबे ना हों, क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको पानी में रह के परफॉर्म करना है, उनको पानी में रह के वो डायलॉग्स बोलने हैं, तो वो ड्रामा रिटेन करते हुए हम उसकी भाषा शैली को इतना सहज बना दें कि वो आराम से बोल भी सकें और वो बहुत कोलोकियल भी हो, जो आमतौर पे जो भाषा बोली जाती है, और इस तरह के किरदार भी हैं तो वो एक लाजमी था कि हम उसी तरह की सिंपल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमने किया। बतौर प्रोड्यूसर मैं कहूँगा अनुभव जी के साथ जो मेरा अनुभव रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये बात इसी से प्रूव हो जाती है कि बतौर राइटर मेरे उन्होंने कभी मुझसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं किया या हम लोगों को कोई चीज़ इम्पोज़ नहीं की, उन्होंने काफ़ी स्पेस दिया लिखने के लिए, और उन्हीं की जो क्रिएटिव फ्रीडम जो उन्होंने दी है उसी का नतीजा है कि आज वार्निंग 3D में पहली अंडर वाटर फिल्म और एक बिल्कुल नई स्टार कास्ट के साथ रिलीज हो रही है। फिल्म की सफलता तो जो आवाम है उसी पे आधारित है, वो किस तरह इसको देखता है या किस तरह इसको लेता है, लेकिन जो ट्रेलर्स जो इनिशियली आउट हुए थे उसके बाद बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा, दोस्तों ने तो पसंद किए ही किए वो, उसके अलावा जितने जो जनरल पब्लिक है जिससे हम लोगों ने इंटरेक्शन किया उनमें एक उत्सुकता तो है ही कि ये किस तरह की फिल्म है, क्या कंटेंट है इसका, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।